हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्स उसमें भी। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल ऐप से अपना पीएफ एडवांस में कैसे निकालेंगे बिल्कुल आसान तरीके के साथ। इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी नई वीडियो आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप उमंग ऐप्स को ओपन कर लें। दोस्तों, आप डाउनलोड नहीं किए तो इसको डाउनलोड कर लें और साइनअप कर लें। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने कैसा इंटरफेस खुल गया है। इसमें आप देखेंगे कि नीचे ऑल सर्विसेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, इस इंटरफेस में नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईपीएफओ शो कर रहा है, इसको क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे। दोस्तों, इस इंटरफेस में आप देख रहे हैं लॉगिन ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट में यूएन नंबर डालेंगे। यूएन नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे यूएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इंटर ओटीपी में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसके साथ अपने यूएन अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारे सामने कई ऑप्शन शो कर रहा है। दोस्तों, आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर एडवांस कोविड-19। इस ऑप्शन के थ्रू अगर आपको कम विड्रॉल करना है, कम पैसा विड्रॉल करना है, तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ज़्यादा करना है, इसलिए हम चलेंगे फोर्थ ऑप्शन राइस क्लेम, इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इससे दोस्तों हम ज़्यादा विड्रॉल कर सकते हैं। फर्स्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा डिटेल शो कर रहा है आपका। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिए, जो रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस इंटरफेस में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका मेंबर आईडी शो कर रहा है। आप जितने भी कंपनी में जॉब किए रहेंगे, सभी मेंबर आईडी यहाँ पे शो करेगा। आपको जिससे विड्रॉल करना है उसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस इंटरफेस में आपको अपना पूरा एड्रेस डिटेल देना है, लोकेलिटी, स्ट्रीट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, सभी चीज़ें एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस इंटरफेस में आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्म 31 शो कर रहा है, सिलेक्ट पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखेंगे, पर्पस फॉर विच एडवांस रिक्वायर्ड। दोस्तों, यहाँ पे किस कारण पैसा विड्रॉल कर रहे हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कम निकालना है तो आप इलनेस नेचुरल क्लेम, अगर दोस्तों आपको ज़्यादा निकालना है तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन, हाउस प्रॉपर्टी बाई या हायर एजुकेशन या मैरिज ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों अपना अमाउंट एंटर करिए जितना विड्रॉल करना चाहते हैं। एंटर करने के बाद हम नीचे आएंगे, क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद बैंक पासबुक का फोटो या चेक का फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पासबुक अपलोड करते हैं तो उस पर आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए और बैंक से वेरीफाई जरूर होना चाहिए और पिक क्लियर होना चाहिए। अपलोड करने के बाद हम नीचे आएंगे और मार्क पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम यहाँ एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपका ट्रैकिंग आईडी शो कर रहा है, इसको क्लिक करिए ओके पे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। इसको ट्रैक करने के लिए हम बैक आएंगे और होम पेज पे फिफ्थ ऑप्शन ट्रैक क्लेम को क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको फिलअप फॉर्म यहाँ पर शो कर रहा है। दोस्तों, अपने क्लेम को इस तरह आप ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आपका क्लेम 7 से 21 दिन में सेटल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।